हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? आपने डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ए सस्टेंड इंक्रीज, सस्टेंड का मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस की प्राइस में सस्टेंड यानी कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। टेम्प्रेरी इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो वो इन्फ्लेशन में नहीं आता है। कंटिन्यूस इंक्रीज होनी चाहिए, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिया में दो इंडेक्स आते हैं, CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो हम बाद में देखेंगे। तो इन्फ्लेशन इज़ दी सस्टेंड इंक्रीज यानी कंटिन्यूस इंक्रीज। अगर आज आलू की रेट 10 रुपये किलो है, कल 20 हो गई, तो वो इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होता है, सस्टेंड इंक्रीज होनी चाहिए। रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो आपकी मनी है उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती है। इट रिफ्लेक्ट्स ए रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास 750 रुपये है, आप क्या 10 लीटर पेट्रोल 75 रुपये के हिसाब से इंडियन ऑयल से ख़रीदते हो 750 रुपये में। एक महीने के बाद क्या होता है, पेट्रोल 80 रुपये पर लीटर हो जाता है। आपके पास 750 रुपये हैं, तो अगले महीने आप 750 रुपये से कितना पेट्रोल ख़रीद पाओगे, 9.38 लीटर। यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। 750 रुपये से पहले आप 10 लीटर पेट्रोल ख़रीद सकते थे, अब आप 9 लीटर पेट्रोल ख़रीद पा रहे हो। यानी आपकी जो 750 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से क्या हुए कि जो मनी है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, अनलेस इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। आप बैंक में पैसा जमा कर दोगे, अगर सपोज इन्फ्लेशन की रेट 6% है और आपको FD पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप बैंक में जमा करा दोगे, तो नेक्स्ट ईयर क्या है कि आप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेनिफिट और लॉस, इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू डेटर्स एंड लॉस टू क्रेडिटर्स। इन्फ्लेशन से डेटर्स को बेनिफिट होता है, क्रेडिटर्स को लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड 10 लीटर पेट्रोल खरीदता है 75 रुपये के हिसाब से इंडियन ऑयल से, एक महीने की क्रेडिट पर, एक महीने की उधार पर पेट्रोल खरीदता है, यानी 750 रुपये का पेट्रोल खरीदा, तो इंडियन ऑयल की बुक्स में, इंडियन ऑयल्स की बुक्स में XYZ लिमिटेड डेटर्स हो जाएगा 750 से, और XYZ लिमिटेड की बुक्स में इंडियन ऑयल क्रेडिटर्स हो जाएगा कितने से, 750 से। अब एक महीने बाद क्या हुआ, पेट्रोल की प्राइस 80 रुपये पर लीटर हो गई, पेट्रोल की प्राइस 80 रुपये पर लीटर हो गई, लेकिन XYZ लिमिटेड कितना पे करेगा इंडियन ऑयल को, वो तो 750 रुपये पे करेगा, और जबकि एक्चुअल में प्राइस कितनी है, 800 रुपये, यानी 50 रुपये का फ़ायदा हो गया XYZ लिमिटेड को, और इंडियन ऑयल को 50 रुपये का लॉस हो गया। तो इसका तो XYZ लिमिटेड क्या है, डेटर्स है, उसको 50 का फ़ायदा हो गया, इंडियन ऑयल क्रेडिटर्स है, उसे 50 का लॉस हो गया। तो अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू डेटर्स। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स एग्जाम में 2013 प्रीलिम्स में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट टू बॉन्ड होल्डर। तो आंसर क्या है, वन ओनली, इन्फ्लेशन डेटर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था, ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय, प्राइस में जो इंक्रीज है वो किस वजह से हो सकती है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी, प्राइस महंगी हो जाएगी। एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, डिमांड में इंक्रीज होगी और सप्लाई सेम है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इन्फ्लेशन मीजर किससे करते हैं, CPI एंड WPI। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स।
जब हम इन्फ्लेशन को सीपीआई से मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल क्यों? क्योंकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो चीज़ खरीदता है वो रिटेल प्राइस पर खरीदता है, तो उसे हम रिटेल इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पर जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन जो रिटेल, जनरल या हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उसमें से अगर हम फूड और एनर्जी आइटम को लेस कर दें, क्योंकि फूड और एनर्जी आइटम में फ्रीक्वेंट चेंजेज होते रहते हैं, उसको अगर हम लेस कर दें तो कोर इन्फ्लेशन आता है। आपने देखा होगा कि एकदम से फूड की शॉर्टेज हो गई, बम्पर प्रोडक्शन हुआ या फूड की शॉर्टेज हो गई, या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस एकदम से बढ़ गई, कम हो गई, तो फूड और एनर्जी आइटम को अगर हम लेस कर दें हेडलाइन इन्फ्लेशन से तो कोर इन्फ्लेशन आता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट। ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट है वो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस CSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में CSO है, वो ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट पब्लिश करता है ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, दैट इज करेंट मंथ ओवर सेम मंथ। देखिए जो इन्फ्लेशन रेट होती है, देखिए जब भी आप कंपेरिजन करते हो, जैसे जून चल रहा है, जून 2008 में जो रेट है, आज सपोज आप मैंगो खरीदने जा रहे हो, मैंगो की रेट 40 रुपये किलो है, और मई में मैंगो की रेट कितनी थी, 100 रुपये किलो थी, क्योंकि जस्ट आया ही था मार्केट में, तो आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते 100 रुपये से 40 रुपये हो गया, यानी 60% इन्फ्लेशन कम हो गया। कंपेरिजन हमेशा प्रीवियस ईयर से करते हैं कि जून 2008 में 40 रुपये किलो मैंगो है, तो जून 2017 में मैंगो की रेट क्या थी, या मई 2018 में मैंगो की रेट ये है तो मई 2017 में क्या थी, तो कंपैरिजन होता है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे। जैसे आप कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, तो बैलेंस शीट में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो क्वार्टरली, जैसे अभी फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है अप्रैल से जून का, तो जब क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होंगे तो फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर में जो पहला क्वार्टर है उससे होगा। आप देखो किसी भी कंपनी की जब बैलेंस शीट आती है, पहले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, उसमें टर्नओवर कम होगा, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा टर्नओवर बढ़ेगा, तीसरे क्वार्टर में और टर्नओवर बढ़ेगा, और मार्च का जो क्वार्टर होता है उसमें टर्नओवर इतना होता है जितना पहले और दूसरे क्वार्टर में होता है। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो सेम पीरियड से करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। इन्फ्लेशन रेट जो प्रोवाइड की जाती है वो है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रूरल अर्बन कंबाइंड। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को हम बोलते हैं फूड इन्फ्लेशन। अब देखिए ऑल इंडिया मई 2018 की ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट आई है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो मई 2018 में इन्फ्लेशन कितना है, 4.87% है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई 2018 में 137.8 है और मई 2017 में 131.4 है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, लास्ट ईयर से हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। तो इन्फ्लेशन रेट क्या हुई, इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6 रुपये से बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 4.87%। अब आप देखोगे कि मई में 4.87% है इन्फ्लेशन और पिछले महीने 4.58 था, तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, 0.29% इंक्रीज हुआ है। इसी तरह अर्बन और रूरल की कंपैरिजन करें तो अर्बन में इन्फ्लेशन ज़्यादा है रूरल में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अर्बन में कम है। रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो रूरल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अर्बन में कम है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रूरल इकोनॉमी में फूड का वेट बहुत ज़्यादा है, फूड का वेट 54% है, अर्बन में फूड एंड बेवरेज को हमने 36% का वेट दिया है। अब क्या होता है कि जैसे फूड की शॉर्टेज होती है, तो इंडिया में फूड की शॉर्टेज होती है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब जगह से इंपोर्ट करते हैं, तो अर्बन सिटीजन को तो जल्दी मिल जाता है, कम रेट में मिल जाता है, लेकिन रूरल इकोनॉमी में महंगे रेट में मिलता है, अवेलेबिलिटी कम होती है, रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटी नहीं होती है, इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी होती है। तो ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लेशन क्यों ज़्यादा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
रूरल अर्बन कम्बाइंड बेस ईयर 2012। बेस ईयर 2012, बेस ईयर का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी इंडेक्स निकालते हैं तो एक बेस ईयर लेना होता है। बेस ईयर इसलिए लेना होता है क्योंकि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो कंज्यूमर क्या क्या आइटम कंज्यूम करता है उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसके बेस पर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो 2012 जैसे हमने लिया, अभी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि 2012 से अभी 2018 हो गई, 6 साल हो गए, तो इस इंडेक्स को चेंज कर दिया जाए क्योंकि अभी क्या है काफ़ी सारी नई गुड्स एंड सर्विस ऐड हो गई है जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, ऑनलाइन परचेज भी करते हैं। तो जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर डिसाइड करते हैं कि ये बेस ईयर है 2012 और ये आइटम कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, इसके बेस पे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट की जाती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट हाउस होल्ड एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज वाइडली यूज्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए CPI को यूज करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करती है। गवर्नमेंट या RBI है, पहले RBI WPI यूज करती थी लेकिन अभी RBI CPI कंबाइंड यूज करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। CPI इज ऑल्सो यूज एज डिफ्लेटर इन नेशनल अकाउंट। नेशनल अकाउंट यानी जब हम GDP की कैलकुलेशन करते हैं तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं एज ए डिफ्लेटर। तो जब हम GDP पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि CPI डिफ्लेटर के रूप में कैसे यूज होता है। जनरली GDP कैलकुलेट की जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लेकिन जो GDP कैलकुलेट की है वो करेंट प्राइस पे की है। जब हम इसको बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे CPI एंड WPI से डिफ्लेट करते हैं। CPI है वो मंथली इश्यू किया जाता है। कब किया जाता है? अगले महीने की, जैसे मई का इंडेक्स है वो 12 जून को पब्लिश होगा, 12 जून को आया था। अगर 12 जून को हॉलीडे है तो फिर ये नेक्स्ट वर्किंग डे को रिलीज होगा। तो CPI जो रिलीज होता है वो नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख को रिलीज होता है, CSO रिलीज करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो डेटा का कलेक्शन है, मंथली प्राइस डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम 1114 मार्केट, 310 सेलेक्टेड टाउन, 310 टाउन में 1114 मार्केट से हम मंथली प्राइस डेटा सेलेक्ट करते हैं और 1181 सेलेक्टेड विलेज से बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो 1114 मार्केट 310 शहरों में फील्ड ऑपरेशन डिवीजन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का वो कलेक्ट करता है और 1181 विलेज में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। प्राइस डाटा रिसीव्ड थ्रू वेब पोर्टल मेंटेन बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। तो इतने मार्केट से हम मंथली प्राइस डेटा कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। रूरल बास्केट में 448 आइटम होते हैं और अर्बन बास्केट में 466 आइटम होते हैं। यानी रूरल इकोनॉमी में 448 आइटम है जिनकी हम प्राइस लेते हैं और अर्बन में 460 आइटम की। ग्रुप एंड वेट, जो CPI इंडेक्स को हमने, जो बास्केट है तो जो भी आइटम है उनको हमने 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। फूड एंड बेवरेज, इसको 54% का वेट है रूरल इकोनॉमी में, अर्बन में 36% का है क्योंकि रूरल इकोनॉमी में फूड पे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, अर्बन में फूड पे कम खर्चा होता है। पेन, टबाको, क्लोथिंग, हाउसिंग, देखिए रूरल इकोनॉमी में हाउसिंग को 0 वेट दिया गया है। रीजन कि देखिए शहरों में लोग किराए के मकानों में रहते हैं लेकिन रूरल इकोनॉमी में किराए के मकानों में लोग बहुत ही कम रहते हैं, तो हाउसिंग पे कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है रूरल इकोनॉमी में, इसलिए रूरल इकोनॉमी में हाउसिंग का वेट 0 लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस भी इंक्लूड होती है। जब हम जब हम WPI पढ़ेंगे तो WPI में सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड एंड बेवरेज का जो वेट था अभी हमने ऊपर देखा था, अभी हमने ऊपर देखा था 54.8 वेट है फूड एंड बेवरेज का,
इसमें से अगर हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेज और प्रीपेड मील स्नैक्स स्वीट हटा दें तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स का वेट आता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउसिंग है एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरा है फूड एंड बेवरेज, और कौन कौन से आइटम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया था SCRA में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डिजाइन टू मेजर द डिग्री टू विच इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए बंडल ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैज चेंज्ड विद टाइम, कंज्यूमर पैटर्न हैव चेंज्ड विद टाइम, कंज्यूमर प्राइस हैव राइजन रिलेटिव टू वेजेस। तो आंसर क्या है इसका, बी है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बंडल ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैज चेंज्ड विद टाइम। CPI में हम क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर जो गुड्स परचेज करता है उसकी प्राइस में कितना चेंज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज नाउ यूज्ड बाय RBI टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो कौन सा यूज करता है RBI, CPI यूज करता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय CPI, सिंपल आंसर है। इन्फ्लेशन टारगेट, फ्रेंड्स इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद RBI वंस इन एवरी 5 ईयर। इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे इन्फ्लेशन टारगेट अगस्त 5, 2016 से 31 मार्च 2021 का इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% है, प्लस माइनस 2% है, यानी कि इन्फ्लेशन मैक्सिमम 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए और मिनिमम 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए। इफ इन एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ 6% और लेस देन 2% फॉर एनी 3 consecutive quarters, इट वुड मीन ए फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, यानी कि इन्फ्लेशन 2 और 6 के बीच में होना चाहिए, अगर 3 consecutive quarters में 2 और 6 के बीच नहीं रहता है तो इसका मतलब है RBI फेल कर गया है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में। वैन RBI फेल टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट इट शैल सेट आउट ए रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग द रीजन फॉर फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, रेमिडियल एक्शन प्रपोज टू बी टेकन बाई RBI, एन एस्टिमेट ऑफ टाइम पीरियड विद इन विच इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड। अगर RBI फेल कर जाता है इन्फ्लेशन टारगेट मीट करने में तो ये रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रीजन बताएगा क्यों इन्फ्लेशन टारगेट फेल कर गया, क्या एक्शन लेने चाहिए, रेमिडियल, वो सारी बातें बताएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री, स्लोली इंक्रीजिंग प्राइस लेवल कीप्स बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइस इंक्रीज होगी तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। जैसे आप जॉब करते हो, आज आपको 20,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, अगले साल भी आपको 20,000 रुपये महीने मिले तो क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल कुछ बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट चाहिए। तो इसी तरह प्राइस लेवल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा तो बिजनेस मोटिवेट होगा, प्रॉफिटेबल होगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट कंज्यूमर फ्रॉम होल्डिंग ऑफ देयर परचेज इन एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस फॉल, अगर थोड़ा इन्फ्लेशन नहीं होगा, प्राइस लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं होगा तो आप क्या करो, अरे यार अभी नहीं खरीद रहे, अभी प्राइस गिरेंगी तब खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा मार्केट में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री, ए लिटिल इन्फ्लेशन एनकरेज टू बाई सूनर एंड दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ी बहुत महंगाई रहेगी तो आपको लगेगा खरीद लो फिर और महंगा हो जाएगा, तो इससे क्या डिमांड बूस्ट होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2011 में, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद, सिंपल है इन्फ्लेशन, थोड़ा मॉडरेट इन्फ्लेशन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दूसरा है CDS में आया था, हाई ग्रोथ विल लीड टू इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ विल लीड टू डिफ्लेशन, करेक्ट आंसर क्या है, लीड टू इन्फ्लेशन, आंसर इज 1। इसके बाद फ्रेंड्स सीजनल मूवमेंट इन CPI एंड इट्स फूड कंपोनेंट, देखिए आपने देखा होगा इंडिया में मानसून पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, कभी कभी बम्पर पैदावार होती है तो प्राइस एकदम डाउन हो जाती है, कभी कभी पैदावार कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो सीजनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में।
फूड बास्केट विच हैज़ लार्जेस्ट वेट इन प्राइस इंडाइसेस इन इंडिया अफेक्टेड बाई दी सीजनेबिलिटी। आपने देखा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेट है फूड एंड बेवरेज का, फूड आइटम का सबसे ज़्यादा। अब फूड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है ड्यू टू सीजनल नेचर, कि बम्पर प्रोडक्शन हो गया प्राइस एकदम से डाउन हो गई, या प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइस एकदम से बढ़ गई। तो विद इन फूड बास्केट ऑफ प्राइस इंडाइसेस पल्स यानी दाल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप इन पर्टिकुलर हैव विटनेस लार्ज चेंज इन प्राइस मेनली ड्यू टू देयर सीजनल नेचर। इसी वजह से जनरल या हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर वॉलीटाइल देन कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल आइटम को लेस कर दें, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन मोर वॉलीटाइल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिस पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।